सो भाई अभी हो रहा है मॉर्निंग 4:30 और पैकिंग वगैरह चालू हो गई है, ये आप देख सकते हो। क्योंकि कल जब हमने टेंट लगाए थे तो जो यहाँ के जो भैया थे जो दुकान वगैरह दिए हैं, उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह भाई पैक कर लेना, क्योंकि नॉर्मली क्या है इस एरिया में टेंट लगाना अलाउड नहीं होता है, जंगल विभाग से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। और विकास भाई इधर ही खड़े हैं, तो हम लोग तुरंत ये पैकिंग वैकिंग करके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सामान वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आसमान है एकदम, रात में बारिश हुई थी काफ़ी और आसमान बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। हर हर महादेव। तो भाई पहुंच गया हूं मैं, और कार्तिक स्वामी के ट्रैक बस स्टार्ट ही होने वाला है, तो मैं कैमरा टिल्ट करके आपको दिखाता हूं। जस्ट लुक एट द व्यू, कितनी खूबसूरत लग रहा है यार, अल्टीमेट लग रहा है। उस पीक पे हमें जाना है यहाँ पे, और ऊपर जस्ट अभी सनराइज होने ही वाला है, एंड ग्रीनरी को देखिए। मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे बड़ी अच्छी ना सुविधा की गई है, हर जगह पे सोलर सिस्टम लगाया गया है, ताकि गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर ये लोग डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हर पॉइंट पे सोलर लगाया गया है, ऐसे ही ऊपर भी है, देखिए हर पॉइंट पे सोलर लगाया गया है ताकि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहे और गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पे कोई डिपेंडेंट ना रहे। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है चलो भाई फिर आगे चलते हैं। हर हर महादेव, जय कार्तिक स्वामी। भाई आप देख रहे हो लिटरली मैं हाँफ रहा हूँ, अब मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ ये आप देख ही सकते हो। मेरे पीछे की जो पहाड़ी है ना उनकी चोटियों को देखो, और मैं कहाँ खड़ा हूँ। भाई अगर मेहनत को आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब इसके साथ मैं आपको और एक क्लिप दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत अल्टीमेट, देखो क्या नज़ारे हैं, वाव। ये देखिए स्नो क्लिप्स बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन पे अभी खड़े हैं, पूरी साफ नज़र आ रहा है स्नो क्लिप्स। हरेंद्र पहुंच गया है, हमारा बहुत बड़ा ब्लॉगर एस्केप विथ HSR मेरे पीछे पीछे आ ही गए हैं, और आप देख सकते हो एस्केप विथ HSR कहाँ खड़ा है, उसका लेवल देखो, उसके पीछे की जो पहाड़ी की चोटी है ना उसकी लेवल में है बिल्कुल। वो कहाँ खड़ा है देखो, पहले बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन खड़ा है भाई। सामने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो स्नो क्लिप्स माउंटेन सीधा, ये देखो भाई सामने, ये देखो धरती पर यहाँ खड़ा हुआ है मेरे से पहले। और भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। Thank you.
यहाँ पे यात्रियों की विश्राम के लिए ये व्यवस्था की गई है। बहुत सही, थोड़ी देर आप यहाँ पे बैठोगे, आपका थकान मिट जाएगा और यहाँ से जो व्यू आ रही है देखो क्या अल्टीमेट व्यू है, जस्ट वाव। सो भाई मैं अब कार्तिक स्वामी टेम्पल, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, कार्तिक स्वामी टेम्पल पे खड़ा हूँ। आप अगर वन सेकेंड, यस, सो अगर आप नॉर्थ में कार्तिक स्वामी जी का टेम्पल देखोगे, सिर्फ एक ही टेम्पल है, भगवान कार्तिक का, यहाँ पे आके तपस्या किए थे और ये बिल्कुल पिक पे है। एक तरफ यहाँ पे आपको सारी चोटी दिख जाती है, नीलकंठ पर्वत की चोटी और सारी पर्वत की चोटी यहाँ पे आपको दिख जाती है। आप मेरे पीछे नज़ारा आप देख सकते हो, सूरज उदय, जस्ट सूरज उदय अभी हो रहा है मेरे पीछे, किरणें आ रहे होंगे, सूरज उदय अभी जस्ट हो ही रहा है और बिल्कुल एकदम टॉप पे ही खड़ा हूँ मैं, और नज़ारा भी आपको डेफिनेटली अच्छा आ रहा होगा बिकॉज ये देखिए स्नो क्लिफ माउंटेन बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है, इससे ऊपर तो और कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्तिक भगवान की मेला लगती है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, शूट वगैरह करने के लिए। मैं आपको थोड़ा पीछे की तरफ
जाके वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ, जो बहुत ही क्लोज नज़ारा आएगा, स्नो क्लिफ्स माउंटेन का बहुत ही क्लोज नज़ारा आएगा। तो अभी अगर आपको ये कार्तिक स्वामी ट्रैक की ये वाली पार्ट बहुत अच्छी लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बोलिए यहाँ पे आने के लिए। एंड इसी के साथ कार्तिक स्वामी टेम्पल ट्रैक का यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज ही वापसी करनी है फिर डेली, जाते वक्त देखेंगे अगर समय होगा तो देवप्रयाग कवर करेंगे और फिर घर के लिए फिर वापसी करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ट्रिपर को इजाज़त दो, खुश रहिए, मज़े में रहिए, जय हिंद। तो भाई अब फाइनली बाय बाय करने का टाइम आ गया, आप देख रहे हो भरत राम भरत विलाप मिलन हो रहा है। अब छोड़ के जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन भाई क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। और कल से वही मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ज्यादा टाइम अगर गुड़गांव में टाइम हो इन केस, अगर समय हो फिर मेरा ऑफिस है सुबह 9 से शाम को 5:30 बजे तक मिलता हूं, अगर समय हो तो जरूर आएगा। आप लोगों ने देखा होगा काफी कुछ सीखने को मिला इस बार दिलीप भाई से। दिलीप भाई बहुत प्रोफेशनल यू नो जो पर्वतारोही हैं, काफ़ी कुछ यू नो ट्रैक वगैरह करके अभी आए हैं, किन्नौर क्लास आदि क्लास ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं दिलीप भाई। और ठीक है, फिर से मिलेंगे दिलीप भाई से, जब तक के लिए इजाज़त दो ट्रिपर को, खुश रहिए, मजे में रहिए। और ये अपना भाई विकास भाई, ये ना होते, ये ना होते कल कल ये है उसके पीछे की आयोजन जो बड़ा दिल वाला होता है ना, करते हैं। मैं क्या बोला, पिछले 14 साल से इंडस्ट्री में इतना यात्री को सर्विस दिया, तुम कैसे हो यार, कसम से क्या आदमी, इतने फ्लेक्सिबल, आनंद आ गया सब कुछ ना, मजा आ गया। सबने जो टीम वर्क दिखाया ना, सच में बता रहा है, मतलब कल लिटरली कल लिटरली लिटरली ना, मैंने शाम को जब मैं जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और मैं इसलिए रात में इसलिए बोला था कि शुरुआती में अगर इनिशियली थोड़ा फटे तो ज्यादा तो नहीं फटे, कह रहा आप बहुत बढ़िया, मतलब जबरदस्त बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, मुझे लगा था कि थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमने तो बहुत जल्दी कवर कर दिया, जल्दी कवर भी हो गया। आई थिंक कितने आज लगे, 2 घंटे में पहुंच गए, 2 घंटे में पहुंच गए, इसलिए मैं इतना ज्यादा भी बता रहा हूं कि हम लोगों के लिए मान रात को रास्ता भी बहुत स्लिपरी था, और जो बारिश हो गई, और हाँ रात को ऊपर भी इतनी बारिश हो गई थी, ऊपर से भाई ऊपर से और एक बात है, कल रात को सुअर आ गया, और जंगली सुअर आ गया था वहाँ कैंप, जंगली सुअर कैंप में सुअर आ गया, और लिटरली कराया स्क्रैच, और मतलब फुल टू एडवेंचर वाला, नेचर भी हमने अच्छे से ब्यूटीफुल और इतना शांति शांति, और कसम से है ना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इस तरफ चोपटा की तरफ आ रहे हैं तो पलद्वारी चोपटा से जस्ट मतलब हार्डली हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले ही विलेज आएगा पलद्वारी। तो ये हमारे विकास भाई हैं, विकास भाई के अपने ही होम स्टे है, पोली दीनदयाली होम स्टे। विकास भाई अपना नंबर बोल दो। अच्छा, ये मेरा नंबर रहेगा, मैं पहले नंबर बता देता हूँ, 7300811987, एक है 9899530032। आप आने से पहले विकास भाई को कॉल कीजिए, धारी मार्केट है, और एक मतलब चार राम यात्रा भी कराते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज सारे, एवरीथिंग। सबसे अच्छी बात है कि हाँ, मैं अपना तो शांति शांति में, और शायद इनके पास पूरा कंटेंट है मेरे होम स्टे का, इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी है ना, तो आप वो देखेगा वीडियो और आप फिर देखिए, अगर आपको अप्रिशिएट करना है, और जो ये बंदे हैं ना, इनका जो काम है, इसके लिए आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं करना है। मालूम क्या है, मैं कह रहा हूँ कि लाइक इसलिए करना है, कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये बंदे जो है ना, बहुत ही अल्टीमेट, इतने बंदे आए हैं इतने साल तक, और मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ बंदा है ना, तो क्या काम किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा है ना। रुक जा रहा है, हटा दो, चले दिलीप भाई चलते हैं फिर, ठीक है चलते हैं, फिर मिलेंगे, ओके फिर मिलेंगे पक्का, चलो ओके भाई, चलो भाई, चलो ओके।